इग्रेशन परमुटेशन कॉमुटेशन तिथि में छोटे वीडियो में बहुत होने वाला है। दोस्त खड़े प्रतिष्ठा शर्मा। फाइनली मैडम आ चुकी है, हमको टाइम दे चुकी है। फाइनली मैडम हमारा कार टॉक्स ले रही है। अच्छा अभी देखो आपको पता ही है, अभी कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं इससे कुछ भी पूछूंगी तो वो मेरे को ऑलरेडी पता है। हम अभी यही बात कर रहे थे, मुझे क्या पूछेगी, क्या टूक करेगी। तो अभी मैं कुछ भी अगर पूछूंगी तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसकी लाइफ के बारे में जान पाओ और आप लोग कुछ सीख पाओ या फिर ये सीख पाओगे क्या नहीं करना। प्रतिष्ठा शर्मा, यस प्रतिष्ठा शर्मा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रतिष्ठा शर्मा, मतलब प्रतिष्ठा शर्मा कौन है, क्या है, कैसी है? यार तू ही बता दे यार, तुझे तो लग रहा है मैं इधर आ जाती हूं। मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूँ, मतलब क्या तू करती है? गलत पूछा तूने सवाल, तो स्पेसिफिक वही सवाल। तो बता रही हूँ, प्रतिष्ठा शर्मा क्या है, कौन है, क्या करती है, कैसी है, अपने बारे में बता। प्रतिष्ठा शर्मा बहुत ही जॉली है, मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगी ऑफ कोर्स। प्रतिष्ठा शर्मा बहुत ही जॉली किस्म की लड़की है। तो प्रतिष्ठा शर्मा बहुत ही जॉली किस्म की लड़की है, वो बहुत ही जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती थी, बट अभी 2023 एंड से उसने ये चीज सीखी है कि नहीं करना चाहिए, मतलब सीख ली थी काफी पहले बट अब वो नहीं करती जल्दी से, और अब जल्दी से दोस्त भी नहीं बनाती, पहले सबको दोस्त मान लेती थी बट अब इक्का दुक्का दोस्त ही हैं जिन पे वो यकीन करती है। और क्या है प्रतिष्ठा शर्मा, तू यार ये कैसा सवाल है यार, मैं कैसे बताऊं अपने बारे में। सो प्रतिष्ठा शर्मा एक बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर है जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है, इंस्टा पे कॉमेडी वीडियोस बनाती है। अच्छा, उनको जाके आप फॉलो करो। अच्छा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शर्मा को इस इंडस्ट्री में दस साल हो चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशंस। सो अब हम प्रतिष्ठा शर्मा की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कैसी वीडियोस बनाती थी, तो मतलब तेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ? जब मैं कॉमेडी वीडियोस कर रही थी कहीं और, तो मुझे लगा कि फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है और मुझे खुद से कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, फीमेल रिलेटेबल वीडियोस बनानी चाहिए। एंड मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि कॉमिक टाइमिंग है हमेशा से ही, तो मुझे था कि कॉमेडी वीडियोज में ही करते, क्योंकि बहुत कम फीमेल कॉमेडी कॉन्टेंट क्रिएटर्स थी उस टाइम पे, तो मैंने तब कॉमेडी कंटेंट बनाना शुरू किया। उससे पहले बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैंने सिंगिंग वीडियोस भी डाला करती थी मैं। मैंने हट चुकी है, मैंने निशान मिटा दिया उस वीडियो के। तो मैं कवर वीडियोस गाती थी बट एक टाइम बाद सारी कवर वीडियोस पे कॉपीराइट लगने लग गया। तो मुझे लगा, जैसे पहले तो दूसरे चैनल के साथ भी काम करती थी और म्यूजिक वीडियोस भी बनाती थी, तो उस चीज का आइडिया कैसे आया था कि मैं इस लाइन में जाती हूँ कंटेंट क्रिएशन, मतलब खुद से करने का? मुझे कॉमेडी का कभी ये नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था कि मुझे कॉमेडी ही करना है। मुझे ये था कि मैं गाना अच्छा खासा गा लेती हूँ, मतलब ठीक गा लेती हूँ, मैंने कभी सीखा नहीं है गाना, बट जैसे नॉर्मली हम बाथरूम सिंगिंग करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है गाना गाने से शुरू करते हैं। तो मैंने गाना गाना शुरू किया एंड वो वीडियोज अच्छी भी जा रही थी, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था कि सिंगिंग वीडियोज, लोगों को मेरा एक अलग साइड दिख रहा था, बट विद टाइम हर वीडियो में कॉपीराइट लगने लग गया। ये तो नहीं करना चाहिए, मेरी जेब में कुछ नहीं आ रहा है, बट मेरे को था कि अगर कभी सिंगिंग करनी भी है तो खुद का गाना लिख के और कंपोज करके और वैसे मैं करना चाहूंगी रादर देन कवर वीडियोस बनाने, क्योंकि एक टाइम बाद सैचुरेशन पॉइंट हर चीज का आ जाता है, और सिंगिंग वीडियोस में बहुत जल्दी आ गया था वो सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि तुम किसी का गाया हुआ गाना कब तक गा लोगे, उसका मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। फिर मैं एक जगह पे जहाँ पे कॉमेडी कर रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे खुद के भी आइडियाज हैं, मेरे जो आते हैं और फीमेल रिलेटेड आइडियाज आते हैं, तो मैं इस चैनल पे नहीं कर सकती, तो लेट्स मेक माई ओन चैनल जहाँ पे मैं लोगों को ये टैलेंट भी दिखा सकूँ अपना, जो फीमेल रिलेटेड रिलेटेबल कॉन्टेंट बनाऊँ। तो मैंने फिर वो वहां से बनाना शुरू करा। एंड स्टार्ट कहाँ पे किया था, पहले इंस्टा पे या यूट्यूब पे? पहले यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे किसको देख के आई थी, किसी को देखा था कि कोई ऐसा काम कर रहा है, या यूट्यूब के बारे में पता कैसे चला? जब हमने शुरू किया था तब तो यूट्यूब पे बहुत ही एक दो लोग ही होते थे, तो जब एक जगह पे मैं कॉमेडी कर रही थी तो मुझे हमें खुद भी नहीं पता था ना कि हम कर सकते हैं ये चीज, तो मुझे स्टार्टिंग से ही था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो जब
मैंने कहीं शुरू किया था पहले तो मैं थिएटर कर रही थी उस टाइम पे, तो मुझे था कि एक्टिंग तो मैं कर लेती हूँ. बचपन से ही मैं स्कूल में भी ड्रामेटिक्स में थी, कॉलेज में भी ड्रामेटिक्स में थी, तो मुझे था कि मैं एक्टिंग तो कर लूंगी. अब उधर मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ. तो जब कॉमिक टाइमिंग पता चली कि मेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, तो फिर मैंने सोचा कि खुद का भी अब करते हैं. तो ये वैसे था, मैंने किसी को उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि किसी को देख के. और सुपर वुमन आती थी, अगर तुझे पता हो, बाहर की कंटेंट क्रिएटर थी सुपर वुमन, तो वो ऐसे 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 करती थी. और मैंने उनके कंटेंट बहुत देखे हैं. लिली सिंह, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती थी. मुझे बहुत अमेजिंग कंटेंट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि वो स्लैपस्टिक कॉमेडी करती थी. मतलब जैसे टाइप्स ऑफ ये, टाइप्स ऑफ क्रश, टाइप्स ऑफ ये, तो मुझे वो कंटेंट लगता था कि यार ये तो मैं भी बना सकती हूँ टाइप्स ऑफ, और इंडियन वर्जन में कैसा लगेगा. तो वो वहां से शुरू हुआ. एंड जब हम किसी और को देखते हैं और हमें लगता है कि अब हम कुछ खुद का एलिमेंट इसमें डाल के अगर कर सकते हैं, तो फिर वहां से शुरू किया था. कह रही है इतना इतनी अच्छी बात है, कैसे कर रही है भाई, कभी कभी कर लेती हूँ. तो अगर जैसे अभी हम सबको पता है कि प्रतिष्ठा को एक्टिंग वगैरह में काफी इंटरेस्ट है, और अगर तू एक्टिंग ना चूज करती तो तू क्या कर रही होती? मैं अगर एक्टिंग नहीं कर रही होती तो मैं या तो इंग्लिश लेक्चरर होती, जो कि मुझे बहुत पसंद था कि 4 बजे तक की जॉब होती है, फिर घर आओ आराम से. और गवर्नमेंट जॉब मतलब ऐसा कि डीयू में कहीं लग जाती, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत टीचर खेला. तो मुझे 12th में कितने मार्क्स आए थे? यार मैंने साइंस ली थी, तो गाइस 71% थे मेरे. मतलब इतने अच्छे नहीं थे, बट ठीक थे. साइंस के हिसाब से बहुत अच्छे थे मेरे नंबर, बट क्योंकि मेरे पास पीसीएम भी थी, मैथ्स भी थी और बायो भी थी, तो मेरे वो जो 2 साल थे बहुत ही ट्रॉमा में गुजरे थे, क्योंकि इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही थी. तो साइंस मतलब शो ऑफ वगैरह के लिए नहीं, थी नहीं, जेन्युइनली इंटरेस्ट? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ कि लोग बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं उन्हें कि तुम साइंस लो. मेरे पेरेंट्स ने 10th में मेरी सीजीपी अच्छी आई थी, 8.9 समथिंग आई थी, तो उस टाइम पे सीजीपी होती थी. सीजीपी है. तो पापा मम्मी दोनों थे कि आर्ट्स मिले, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इसका इंटरेस्ट हमेशा से खेलने कूदने में, नाचने गाने मेरे में. मम्मी पापा ने भी यही बोला था, भाई हाथ जुड़ा ले, साइंस मत ले, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, तू आर्ट्स ले ले. हाँ. मेरी टीचर्स ने बुलाया था स्कूल में कि इसको साइंस दिला दो, इसको साइंस दिला दो. मम्मी पापा ने नहीं, हम नहीं दिलाएंगे. नहीं नहीं, मेरा उल्टा. मैं हमेशा से रिबेल रही हूँ बचपन से, डीट बच्चा कि अच्छा ये बोला है ना, अब ये तो करना ही नहीं. आर्ट्स में तो आर्ट्स तो सभी कर लेंगे, और मेरे स्कूल में हो जाएगी. नहीं, ये भी था, मैं उस टाइम पे याद ही नहीं बताना चाहिए मुझे, बट ठीक है. लड़कियां देख रही हैं बहुत सारी. तो आर्ट्स मेरे स्कूल में थी भी नहीं उस टाइम में. और उस टाइम पे मम्मी सॉरी, मेरे स्कूल में ऐसा था कि मेरी क्लास में एक लड़का था जो रिलेशनशिप, उस टाइम पे रिलेशनशिप कुछ नहीं होता था, फ्रेंडशिप होती थी. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती थी कि फ्रेंड है, मतलब पसंद है ऐसा. लाइक बोलते थे ना, तू मेरी फ्रेंड, तू मेरे साथ फ्रेंडशिप. हाँ. लाइकिंग होती थी कि यार लाइक वाला सीन. तो ऐसा था कि उस टाइम पे मुझे वो बहुत पसंद था, उससे मैं बहुत पसंद थी, बट फ्रेंड्स थे. तो हमारे स्कूल में आर्ट्स थी नहीं, आर्ट्स के लिए मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा था, जो कि बहुत ही अच्छे स्कूल में मुझे मेरे घर वाले डाल रहे थे, बाल भारती में डालने वाले थे मेरे घर वाले. लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे साइंस लेनी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था. 9th-10th में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो मुझे था कि मैं साइंस कर लूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन सब कुछ मुझे सीखना पड़ेगा, फिजिक्स की डेरिवेशन. 3 महीने में मेरे को नानी याद आ गई थी कि मैं गलत ले लिया है, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता था. स्कूल जाओ, स्कूल से 3 अलग-अलग ट्यूशन में जाओ, फिर घर आओ, उसकी प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, अगले दिन फिर जाओ. बहुत गलत था वो सीन, बट ठीक है, हमने साइंस ले ली. मतलब शुरू से तो एक होता है ना कि बचपन के बहुत रफ निकला है. हाँ. या फिर एक होता है बहुत बढ़िया निकला है. मतलब ऐसा है कि मेरी नजर में मेरा बचपन बहुत अच्छा था, जितना था उतने में बहुत अच्छा था. मतलब वो सबकी नजर में अच्छा था. मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कभी कि रफ जैसा नहीं लगा. और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे टाइम का बचपन था, हम स्टापू खेल के, पिट्ठू खेल के, और अभी अगर उसको याद करो तो वो बेस्ट था. वो बेस्ट टाइम था, कुछ भी हम चाहे मतलब निक्करों में मैं भाई के कपड़ों में चली जाती थी और कुछ भी खेल, मतलब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो बेस्ट टाइम था. ऊंच नीच का पापड़, ये मुझे याद आ गया अपना बचपन. बट ऐसा रफ टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों ने हम पे आने नहीं दिया. वो होता है ना कि जब भी बड़े हो जाए तो इनको बताएं, घर में बहुत चीजें चलती थी, पैसे की तंगी भी रहती थी, बहुत चीजें रहती थी, लेकिन वो हम तक नहीं आया. अगर हमें 2 रोटी मिल रही है तो वो 2 रोटी हम तक आती, चाहे पापा मम्मी नहीं खा पाते होंगे, लेकिन वो हमें नहीं पता चला. तो वो मैं वो उस मामले में बोलूंगी कि शायद घर वालों ने वो चीज देखी,
लेकिन वो मेरे पे और मेरे भाई पे कभी आई नहीं. वो बड़े होकर हमें बाद में पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें भी हुई हैं कि जब ऐसा रफ टाइम भी था घर में, लेकिन हम पे वो आज आई नहीं. सो अभी मुझे याद आया कि आपने बताया स्कूल टाइम में एक लड़का आपको पसंद था, हल्का बहुत था, तो एस मारेगी चुगली करे, हटा दो कैमरा वैमरा, हटा दो आप चुगली करे. पहले तू ये बता वो लड़का कौन था. पता है मेरे को, मैं वो पूछने वाली हूँ कि अभी तक कितने रिलेशनशिप में रही. ये तो मैं आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ये आउट ऑफ सिलेबस. हाँ बताओ, छोड़ के चली जाएगी इस क्वेश्चन गेट को, चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी. मतलब ऐसे नहीं जैसे होता है ना लाइकिंग वाइकिंग भी, छोटा मोटा तुक्के मुक्के गिन ले फटाफट. तीन थे आज तक के. सीरियस? एक ही सीरियस रहा है. बट वैसे मेरे तरफ तो सारे सीरियस बचपन में भी अगर कह लो, बचपन में बचपन के तरीके वाला सीरियस था, बड़े होके बड़े वाला सीरियस था. बट मेरी तरह से तो सीरियस ही था. वैसे तो लाइकिंग हो गई या फिर आई लाइक यू. एक बार एक एनुअल डे पे एक लड़का आया मेरे पास, वो उसकी तो शादी हो गई है, बट वो दोस्त है मेरा बहुत अच्छा. तो मैंने ना मछुआरा डांस होता है ना, तो वो वाली साड़ी पहन रखी थी और नथवत लगा रखी थी. अब चौड़ में घूम रही थी पूरे स्कूल में. आज समय मैं लग रही हूँ और मैं इतनी गंदी लग रही थी. वो धोती वाली साड़ी पहन मछुआरा वाला डांस किया था मैंने. बट वो आया और स्कूल में सेवेंथ क्लास की बात है, मम्मी सॉरी, मम्मी को शायद पता भी है. तो उसने आके ऐसे बोला, मेरी फ्रेंड खड़ी है मेरे साथ, वो आया, उसके पीछे चार उसके दोस्त खड़े और चला गया. 4-3. अच्छा, और मैं तो डम्ब हूँ यार बचपन से ही. मतलब मुझे समझ नहीं आता, मेरे को बहुत लेट प्रोसेस होता है कि मैंने कि क्या बोल के गया. कि आई लव यू बोला है उसने तेरे को. 1-4-3-8. तो ये उसने ऐसे किया था. तो ऐसे ऐसी चीजें रही. फिर अगले दिन जब वो आया, तो बचपन में जब हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे, तो मैंने उसको डेयर जान के बोला अपनी दोस्त को, मुझे डेयर दे कि मुझे इसको भाई बनाना है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठा अभी शादी की उम्र हो गई है तेरी, तो शादी वादी का क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं है. इरादा ऐसा है कि कोई इरादा जगाने वाला आ जाएगा तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं सोच रहे क्योंकि हम हमारी लाइफ में कोई इरादा जगाने वाला आ नहीं रहा है. तो ऑल द सिंगल गाइस, तो वो इरादा जगाने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ यार, ये मुझे तुझे बोलना चाहिए कि तू मेरी दोस्त है, ढूंढ के ला लड़का. मतलब तुम क्या कर रहे हो अपने लिए? नहीं, जैसे कि तू कह रही है मेरी तो हो गई है, तेरी नहीं हुई होगी. मैं एक साल तो छोटी हूँ ना तेरे. एक साल में बहुत कुछ हो जाता है ना. तो वो इरादा जगाने के लिए, जैसे मेरे को तो पता है क्या क्वालिटीज चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? देखो, मैं ना बहुत ही सिंपल लड़की हूँ. मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी लड़कियां इस सीट पे बैठी है ना, और जितनों से भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पहली लाइन माँ कसम यही बोली है. देखो, वैसे तो मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, पर मुझे जा 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 ये सब चाहिए. नहीं, मेरी ऐसे सच कोई डिमांड्स नहीं है, पर बट ये भी जो मेन कि ये लॉयल होना चाहिए. लॉयल मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे. जैसे मेरा भाई घर में रहता है वैसे ही रहे, घुल मिल के. कोई ऐसे नहीं चलेगा घर में, जब आई भी चलेगा. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे से, मतलब जैसे घुल मिल के जैसे रहते हैं वैसे रहे. और इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए कि अगर मेरे इमोशंस को समझे, मैं उसके समझ, मैं तो समझती हूँ यार, मेरे समझे. और क्या, मैं ये नहीं बोलूंगी कि खूब पैसा होना चाहिए. नहीं, मुझे लगता है कि पैसा हम कमा लेंगे, पैसा आ जाता है, लेकिन काम काज ही होना चाहिए. मतलब खुद के बलबूते पे एटलीस्ट वो होना चाहिए कि मैं आज कुछ भी करके कमा सकता हूँ. ऐसा तो ज्यादा कुछ नहीं है यार, ऐसा सिंपल लड़का होना चाहिए. हाई फाई नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम तरड़ में रहे. नहीं, ऐसा लड़का नहीं होना चाहिए. और स्टैंड लेना चाहिए कहीं भी. देख रहे हो आप नहीं रुक रही. वो लड़का को जो देख रहा है ना, वो नोट कर रहा था कि हटा, मैं नहीं कर रहा, पैंग फाड़ के बस हो गया भाई. इसीलिए नहीं हो रहा, इसीलिए कोई इरादे नहीं लगा पा रहा. जैसे कि हम सबको पता है कि प्रतिष्ठा बॉम्बे चली गई और वहाँ पे काफी सारी चीजें कर रही है, वीडियोस भी बनाती रहती है और ऑडिशंस वगैरह भी देती रहती है. तो जैसे अभी यूट्यूब वगैरह है, तो यूट्यूब के अलावा आगे क्या करने का प्लान है? मैं बॉम्बे गई ही इसलिए थी क्योंकि उधर से मुझे कुछ ऐसी चीजें आ रही थी, तो मुझे लगा कि हम गढ़ में जाके ही बैठ जाते हैं.
बट मैं जिस टाइम पे गई थी, मैंने बहुत जगह बोला है, तो वो मेरा मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इमोशनली वीक थी जब मैं गई. मुझे लगता है कि जब मैं आज के टाइम पे मुझे जाना चाहिए था, जब मैं स्ट्रांग हूँ और जब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. बट उन 2 साल हो गए मुझे बॉम्बे में, मुझे लगता है मैंने 2 सालों में बहुत चीजें सीख भी ली है, जिस हिसाब से अब मैं इतना सोच समझ के चल पा रही हूँ. तो ऑडिशन हमारे चल रहे हैं और 2-3 चीजें चल है, आने वाली है, चल रही है, तो जल्दी फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं चाहती हूँ कि ये जो भी कर रही है, जो भी सोच रही है, वो जल्दी से जल्दी हो जाए. क्योंकि मतलब मैं इसको थोड़ा वैसा नहीं बनाना चाहती कि हाँ इमोशनल, हाँ पर मैंने इसको देखा है उस फेस से निकलते हुए, उस चीज के लिए क्या डेस्परेट होते हुए, या ऐसे वो ईगर होते हुए कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है. तो अभी हम अपने सबसे मेन क्वेश्चन पे आ गए हैं कि आपको कार टॉक्स में आके कैसा लगा और आप कीर्ति मेहरा के बारे में क्या अच्छा था. फाइव मार्क्स क्वेश्चन. मैं बताना चाहती हूँ कि जब इसको ये आइडिया आया था कार टॉक्स करने का, तो मैं इसके बगल में ही बैठी हुई थी, साथ में थे. ऐसा कुछ कर रहा है मुझे गाड़ी में, पूरे दिन व्लॉग्स निकले जा रहे हैं कि कुछ ऐसा पूछ कुछ क्वेश्चन वाला कुछ करना है और गाड़ी में करना है कुछ. मैं आती जाती थी उस टाइम पे ऑफिस जाती थी, तो यार मेरा इतना लंबा रास्ता होता है, मैं ये लगा के फोन करके मैं गाड़ी में भी तो कर सकती हूँ. तो फिर हम नाम भी हमने सोच रहे थे कि क्या क्या रख सकते हैं, फिर हमने 4-5 नाम वो करे थे. तो आई एम रियली हैप्पी कि तूने शुरू किया एंड दिस इज अ ह्यूज सक्सेस. ये कार टॉक्स एक सीरीज बन गई है इसकी, तो आई एम रियली हैप्पी एंड मुझे आके बहुत अच्छा लगा. तब हमने एक और चीज सोची थी जो आपको करनी थी. मुझे तो बहुत चीजें करनी थी. उसको भी करे क्या वो मम्मी वाला? हाँ आई समझ आप गाइज. ये मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि मैं 2 साल से कहीं ना कहीं इतना रेगुलर नहीं active. रह पाई, एक्टिव नहीं रह पाई ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत चीजें बैक एंड पे चल रही थी ये जानती है. और इसके सामने मैंने बहुत रोना धोना करा है कि भाई मैं करना चाहती हूँ, ये मुझे आती है, डांटती थी क्यों नहीं कर रही, मैं करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मेरे दिमाग में कुछ ब्लैंक हूँ मैं. बट अब ऐसा है कि दिस ईयर ये मैं प्रण लेती हूँ कि मैं जितना ज्यादा आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगी, मैं उतना एंटरटेन करूंगी. मेरी दिली इच्छा है कि जो 2 साल से मैं भरी बैठी हूँ कंटेंट देने के लिए आप लोगों को, इस साल आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ब्लॉग चैनल पे भी, मेन चैनल पे भी, और जो हमने सोचा था वो भी आएगा. मुझे तो हमेशा से ही मतलब ऐसे, मुझे ना पहले बहुत ऐसी लगती थी कि ना बहुत ऐसे बैठने वाली लड़की होगी, बोलती नहीं होगी ज्यादा, चुप रहती होगी. क्योंकि एक होता है ना कि तुम जैसा कंटेंट बना रहे हो तो हमें रियल लाइफ से पता नहीं होती है. मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मैं इसको एक प्रीमियर पे मिली थी और तब हमारी बातें शुरू हुई थी और उसके बाद हम बाय चांस एक ट्रिप पे चले गए थे. तो मुझे पता चला ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है, ये तो एक नंबर की भागदौड़ लड़की है. ये और 10 कदम आगे और 10 कदम आगे, तू तो एकदम चलती कूदती. मेरे को पहला तो इसका ये था कि यार ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है. इसको मुझे ना वो लोग बहुत पसंद है कि जो जिनकी मुंह पे स्माइल रहती है, मतलब मैं जाके खुद से बात कर लूंगी, लेकिन तुम ऐसे तुम्हारी वाइब है, वार्म होनी चाहिए. सनफ्लावर लोग होते हैं वो, येलो लोग होते हैं वो, एकदम वार्म वाले कि जिनको देख के ना उनको उनसे जाके बात करने का, मिलने का मन करता है. तो इसको मिलके मुझे वैसी वाइब आई थी. और टच वुड हमारे बीच में थोड़े से ऐसे हुए और हर रिश्ते में होते हैं डाउन्स आ गए थे थोड़े से, बट विद टाइम. ये भी मैं तेरे को बोलूंगी, ये मैंने शायद तेरे को बोला है, बट पहले ये बहुत इमेच्योर थी, और जो कि अच्छा भी था. एक टाइम में एक इंसान ऐसा होता है जो किडिश और चाइल्डिश होता है और कुछ भी करता है, बट अब लाइफ ने और हर सिचुएशन ने इसको मैच्योर बना दिया. बट आई एम स्टिल प्राउड कि इसने अपना बच्चा नहीं खोया. वो इंटैक्ट है जो कि दैट्स व्हाई आई लाइक यू, वन ऑफ द रीजन. हाँ तो अभी कोई बात नहीं, बहुत है मेरी तारीफ इतनी. जितने भी जितने भी बच्चे या फिर जितने भी लोग जो क्रिएटर बनना चाहते हैं वो हमें देख रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के, उनको क्या बोलना चाहेगी लास्ट? जो भी सोचा है उस पे बस सोचते ही मत रहो, कर दो. कैसा भी फोन हो, कैसा भी कैमरा हो, कुछ रिसोर्सेज मत देखो, स्टार्ट कर दो और कंसिस्टेंट रहो. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम चलते जाओगे, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि अच्छा आज मैंने ये भी अचीव कर लिया, आज मैंने ये भी अचीव कर लिया, आज मैं यहाँ भी पहुंच गया. तो सिर्फ रुकना नहीं है, चलते रहना है, और धीरे धीरे तुम भागने लगोगे और तुम्हें रियलाइज नहीं होगा कि वाओ आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. यस गाइस, चलते रहना है, बट अब हम रुक गए हैं क्योंकि हम कॉफी पीने आ चुके हैं. एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये कार टॉक्स पसंद आया हो, आई नो इसमें थोड़ा हंसी मजाक ज्यादा है क्योंकि हम पहले से दोस्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि रह गया हो कि यार दोस्ती यारी में आप ये क्वेश्चन तो भूल ही गए, तो नीचे कमेंट कर देना. ऐसे कोई टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि जिन पे हम बात करें, मतलब फुल हंसी मजाक वाला,
हम करेंगे, हम हर हर सिचुएशन को हंसी मजाक ही बना रहे, लाइफ मजाक हमने खुद बनाई है। और वैसे भी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो हम खुद एक दूसरे के साथ ज्यादा रहना चाहते हैं ताकि हमें बाहर का कुछ ना दिखे। देखो आजा कॉफी पिलाने चलो, चलो गाइस, चलो बाय, आई लव यू।